नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बोकारो सिविल कोर्ट में 19वें अंक तेनुघाट कोर्ट परिसर में 12 बेंच का गठन किया गया। आज यानी कि 12 मार्च 2022 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्याय सदन बोकारो के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया तथा उन्होंने बताया कि आज सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। साथ ही बताया कि वादों के निष्पादन हेतु बोकारो सिविल कोर्ट में 19वें तेनुघाट कोर्ट में 12 बेंच का गठन किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय आलोक कुमार दुबे, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बोकारो श्री कौशल किशोर झा, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय श्री महेंद्र प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बोकारो पवन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बोकारो राजीव रंजन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बोकारो दिव्या मिश्रा, डालसा सचिव लूसी सोनेन दिग्गज सहित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी, सभी विभागों के कर्मी एवं न्यायालय विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। अगर आपसे सहमत से केस का निस्तारण होता है तो उनका समय बचत होगा, उनका धन का बचत होगा, उनको बार बार कोर्ट में दौड़ना नहीं पड़ेगा और तुरंत सुलभ न्याय मिल जाएगा, बाद में कोई कटुता नहीं रहेगी और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एक रास्ता नया उनको मिलेगा। और इसी कड़ी में करीब देख ही रहे होंगे 1,500-2,000 करीब लोगों की भीड़ लगी हुई है इस समय और ये सारे मामले निस्तारित आज होंगे। 19 बेंच का गठन उन्होंने किया हुआ है यहाँ के सारे कोर्ट में और उस सब निस्तारण हो रहा है। हमारे जो अफसर से रिलेटेड हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस कार्य का मैं समझता हूँ कि सारी जनता को बहुत ही इसका उपयोग है और बहुत ही ज़्यादा उसका फायदा। आज लगभग कितने केस का निष्पादन होने की संभावना है? आज भी लगभग 1,000 केस निष्पादन हो जाना चाहिए और इसके पूर्व में 700 से ऊपर केस का निष्पादन हो, पूर्व में 700 का हुआ है ये जो कि पेंडेंसी का केस है।